जय श्री कृष्णा। डीवी भारती समाचार चैनल पर रोजाना की तरह दैनिक जन्मराशि फल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। आइए 19/3/2024 12 राशियों का फल। मेष राशि पहले या मेष लग्न वाले व्यक्तियों को, आपको बीच बीच में आज अचानक रुकावटें आती हैं, आपको चाहिए, मंगलवार है आपका राशि से स्वामी का दिन है, श्री हनुमान जी का स्तवन करना, मूंगा रत्न धारण करना और पीपल वृक्ष की सात परिक्रमा करना, ओम प्राम प्रीम प्रूम सम सनय नमः, इस बीज मंत्र का जप करना श्रेष्ठ उत्तम कारक रहने वाला है। दूसरी राशि है वृख राशि वाले व्यक्ति, अटके हुए काम आज आपके या बिगड़े हुए काम सिद्ध संपन्न होंगे। तीसरी राशि मिथुन, मिथुन राशि वाले व्यक्ति स्वास्थ्य उत्तम बेहतर रहेगा, व्यापार मध्य रहेगा। चौथी राशि है कर्क, कर्क राशि वाले व्यक्ति भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण के योग संयोग बन रहे हैं। पांचवी राशि है सिंह, सिंह राशि वाले व्यक्ति अनेस अचानक मानसिक तनाव बेचैनी किसी बात को लेकर बढ़ सकती है। छठवीं राशि है कन्या, कन्या राशि वाले व्यक्ति स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, व्यापार मध्यम चलेगा। आज आपको अनायास कोई किसी प्रकार की अशुभ सूचना भी प्राप्त हो सकती है। सातवीं राशि तुला, तुला राशि वाले व्यक्ति स्थानांतरण के योग संयोग बन सकते हैं, किसी पद पर प्रतिष्ठित हैं, पूर्व से नए पद की प्राप्ति हो सकती है। आठवीं राशि वृश्चिक, वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति आज आप कृषि आदि से संबंधित कार्य करते हैं, सफलता प्राप्त होगी। श्री हनुमान जी की आराधना करना, दर्शन करना श्रेष्ठ उत्तम रहेगा। नवम राशि धनु, धनु राशि वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि का स्तवन, नारायण कवच आदि का पाठ करके कहीं कोई कार्य प्रारंभ करोगे, श्रेष्ठ उत्तम कारक रहेगा। दशम राशि मकर, मकर राशि वाले व्यक्ति विद्याध्ययन एवं सरकारी जैसे आदि क्षेत्रों से सफलताएं हाथ लग सकती हैं, एवं राजनीति में आप कदम रखते हो, आपके लिए श्रेष्ठ उत्तम रहेगा। ग्यारहवीं राशि कुंभ, कुंभ राशि वाले व्यक्ति भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण के योग संयोग, व्यापारी वर्ग हैं, कपड़े आदि का व्यापार करते हैं, आपको आज के दिन श्रेष्ठ उत्तम कारक रहने वाला है। बारहवीं राशि मीन, मीन राशि वाले व्यक्ति स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, किसी रोग की होने की आशंका आपको हो सकती है, सचेत सतर्क सावधान रहें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और भगवान से हरि नारायण की आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ उत्तम कारक रहने वाली है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ पीतांबरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।